तो बहुत प्यारा है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका नए ब्लॉग में। तो जैसे लास्ट ब्लॉग में हमने देखा, हम धनकर मॉनेस्ट्री में गए थे, तो अभी हम निकल रहे हैं वहाँ से काजा की तरफ। और अभी जैसे जैसे बस आपको बताते जाएंगे रास्ते में। और आज हम जो काजा में जो एक जो रूटीन का जो रास्ता है वहाँ से नहीं जाएंगे, जो नॉर्मल रास्ता है। धनकर से भी एक काजा के लिए रास्ता निकलता है, सो हम वहीं से हम निकलेंगे, वापस नीचे शिवचलिंग की तरफ नहीं जाएंगे। सो वही रास्ता पकड़ रहे हैं, वो भी देखते हैं कैसा रास्ता है, एक नई चीज़ पता चली इनफैक्ट आज हमें। और बस देखते हैं आज क्या क्या एक्सप्लोर होगा। कोशिश है कि लैंगज़ा और किब्बर को एटलीस्ट एक्सप्लोर कर पाएँ, बाकी जो भी रहेगा आपको पता चल ही जाएगा। और इसे इंफॉर्मेशन में नहीं कौन है, कौए है ये, क्योंकि ईगल्स कभी झुंड में नहीं चलते ना, ग्रुप में चलते। सो ये आ गया अपना होमस्टे वाला रास्ता जहाँ पर हम रात को रुके थे। लेफ्ट साइड होमस्टे के लिए जाएगा और ये जो राइट साइड है ये जाएगा काजा के लिए। और जैसा अंकल बता रहे थे हमें रात को कि ये 2-2.5 किलोमीटर ये रास्ता रहेगा, देन जो यूजुअल रास्ता है काजा का उसके साथ ये अटैच हो जाएगा। सो देखते हैं, ये एक बात अच्छी होगी कि हमें वापस नहीं जाना पड़ा एक्चुअली यहाँ से। थोड़ा न्यू है सो वो देखने में अच्छा। ओ भाई ये तो ओ भाई देखा, हाँ कैसे हो बर्फ गिरी उसमें, पता नहीं कैप्चर हुई होगी कि नहीं, पता नहीं हो गई होगी। बट भाई यहाँ पर बहुत ठंड थी रात को, बहुत ज़्यादा -23 गया था रात को। बट जिस रूम में हम सो रहे थे उसमें पता नहीं चला। ओ हो बटे घुमा लो आ जाओ। क्या बात है क्या बात है। कुदरत बड़ी सही चीज है, नेचर बहुत सही चीज है। देख लो यहाँ पर ऐसे पहाड़ है ना, इसलिए इन जगह पर बारिश नहीं होती, क्योंकि बारिश होगी तो सारा मिट्टी है, देखो सब खत्म हो जाएगा। नहीं जहाँ रोड है अपनी वहाँ तो नहीं है।
नहीं जहाँ रोड थी ना पीछे स्टार्ट में थी जम जम जाती थी उसको पीछे थी थोड़ी सी थी जहाँ स्क्रिप्ट किया हल्का सा इधर नहीं अब नहीं है ये रास्ता इतना खूबसूरत है और खूबसूरत होने के साथ साथ ही उतना ही आइसोलेटेड है सो मैं रिकमेंड तो ज़रूर करूँगा यहाँ पर एक बार यहाँ पर इस रोड पर आने का बट मेक श्योर कि आप अकेले ना आओ क्योंकि अगर आप अकेले आते हो स्पेसिफिकली जो बाइकर्स हैं तो यहाँ पर आपको दूर दूर तक कुछ नहीं मिलने वाला बिल्कुल टोटल आइसोलेटेड रास्ता है बट यह कि अनएक्सप्लोर्ड है और एक अलग चीज़ देखने को मिल जाएगी आपको यहाँ पर स्पीति का एक अलग एंगल बोल सकते हो और बहुत खूबसूरत लोकेशन और यहाँ से आपको पूरा जो स्पीति रिवर का जो नीचे जो बेड है वो पूरा दिखेगा रिवर बेड पूरा दिखेगा और जहाँ तक नज़र जा सकती है सो बहुत खूबसूरत रास्ता है यार मेरे को अभी और एक्चुअल में अभी कुछ वर्ड्स नहीं आ रहे कि मैं कैसे इस चीज़ को बयान करूँ बट इट्स ब्यूटीफुल और उतना भी कोई एडवेंचरस भी आई है देखो ये आगे ब्लैक आइस टू गो हाँ ये रोड बनी है ये ब्लैक आइस थी जिसके ऊपर से गया भी है सो ऐसा रास्ता है भाई देख लो जितना एडवेंचरस है उतना प्यारा भी है और साथ में डरावना भी एक तरह से ब्यूटीफुल एडवेंचरस डेंजरस तीनों चीजें एक ही चीज में संभव करूंगा मैं क्योंकि ये एक चीज और रात को जब हम होम स्टे में थे तो एज पर जो होम स्टे के ओनर थे अंकल जी वो बता रहे थे कि ये इसी एक सेक्शन में जहाँ से अभी हम आए हैं आपको ये जो स्नो लेपर्ड्स दिख सकते हैं यहाँ पर तो वो भी एक अलग बोल सकते हो कि रिस्की फैक्टर है अकेले आने का तो बहुत कुछ है यहाँ पर कर लिया जी ज्वाइन गाजा वाला रोड पर यहाँ पे शायद आगे आएगा वो जो फ्रोजन झरना है ये पानी जम नहीं रहा फ्लोइंग वाटर है ना अभी तो उसके ऊपर वाली स्लेट जमती है जब वो ज्यादा ठंड हो नहीं पूरा बह रहा है हाँ तो फ्लोइंग वाटर ये अंदर पानी तो बहता रहता है लेकिन जो फ्रोजन रिवर भी होती है ना वो भी ऊपर से परत जमती है उसकी तो आ गया जी फ्रोजन झरना अपना जिसकी मैं बात कर रहा था ये देखो बड़ा कम है ये भी बहुत कम हो गया ये तो बहुत प्यारा है हाँ सो जी स्पेशल फरमाइश पे उतरे हम झरना देखने के लिए फ्रोजन प्यारा है फ्रोजन झरना अभी दिखाते हैं आपको झरना इतना सुंदर लग रहा है ये है वो ब्रिज और हियर कम्स द वाटरफॉल फ्रोजन वाटरफॉल ये देखिए ये पूरा झरना जमा हुआ है अब समझ लो कि कितनी ठंड होगी यहाँ पर ये देखिए ये सारा झरना जमा हुआ है सो ये देखिए जी पूरा व्यू झरने का और अभी ये झरना थोड़ा सा पिघल गया है क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया है एक्चुअली
बट ये पूरा का पूरा वाइट होता है, जो आपको अभी ब्राउन पैचेस दिख रहे हैं बिल्कुल भी नहीं दिखता है। बट ठीक है, बलप्रीत को दिखाने के लिए अच्छा है, अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरा तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है। और ये है, और ये है उसके दूसरे सेट का व्यू। और चलो चलते हैं अभी आगे, बड़ा कुछ आना भाई ऐसा। चलो चलो, बलप्रीत पगला गया ये सब चीजें देख के, तो निकलते हैं। अच्छा होना चाहिए और बहुत अच्छा है मेरा। तो निकलते हैं अभी आगे, अभी इसने सिर्फ ये देखा आगे के, देखो क्या क्या देखने को मिलता है इसको। देखना बचा रहा हूँ मैं, कहीं पगला ना जाऊं। पागल होई जाबो अमी, पागल होई जाबो। चलो मिलते हैं आगे। और ये जो लेफ्ट साइड जा रहा है ना, ये जा रहा है पिंड वैली का रास्ता। हम निकलेंगे काजा, अगर टाइम बचा ना मेरे पास तो हम जाएंगे यहाँ पर। तो मुद है, हाँ मुद भी, मुद विलेज है ना। पिन वैली है, हाँ पिन वैली है, मुद विलेज है, मुद विलेज लास्ट विलेज है स्पीड वैली का। ओके, तो वहाँ पर जाना है। कितना डिस्टेंस कितना जा रहा है? 34 किलोमीटर। हाँ 34 किलोमीटर, इसमें कि 2 घंटा जाने का लगेगा, 2 घंटा आने का। सो देखते हैं, वो देखना ऊपर कैसे पत्थर लटका हुआ है। हाँ भाई, हाँ 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 हाँ, नहीं हो रहा ना कॉल, करा करा लग सही है। मैंने ये चीज सही थी भाई, और भी है आगे भी है। वो पत्थर नहीं है वैसा वाला, वो देखो वो पत्थर है ऊपर कहाँ। अच्छा ये ऊपर है। हाँ यस यस, ये बड़े सारे हैं। तो हाँ देखो वो भी है, देखो यहाँ पे भी, इधर भी है, इधर भी आ गए। फॉर्मेशंस देखने सही है, तुम ऐसा लग रहे थे सारी मिट्टी सैंड विलेज से जा रहा हूँ। देखा इस साइड मिट्टी, इस साइड स्नो, और बीच में हम साइड में प्यारे प्यारे पेड़। दिस इज प्रीटी ऑसम। साइड पे क्या, प्यारे प्यारे पेड़। हाँ रोड टू काजा, ये महल में वो नदी चलती है भाई, ये पानी वानी का सोर्स होगा ना भाई, जम के साइड पे राइट साइड पे। हमने कोई गाड़ी नहीं देखी ना अभी, खाली एक गाड़ी ने क्रॉस किया और एक गाड़ी वहां पे थी ब्लू वाली, जो जब हम वो लिंसी के पास थे वाटरफॉल के पास, ऑल्टो दिख रही। कोई गाड़ी नहीं देखी है, किया कहां गई, किया वहां पे मोनेस्ट्री में नहीं देखी यार। वो शायद कर लिया था ना विजिट, शायद ना सागो विलेज शायद उन्होंने विजिट कर लिया था, फिर शायद चले गए एकदम से आगे। कुछ भी आंटी नहीं जा सकते हैं, नहीं नहीं उनको बता दे, नहीं है जगह, नहीं है जगह। सॉरी बट चुका नहीं जा सकते जगह, पीछे हमारे बैठने के लिए पीछे सामान नहीं आएगा। और ये ना लोसर जो लिखा होता है, लोसर 65। हाँ तो लोसर वही रास्ता, वो जो बना दिया रास्ता ना, कुंजम लोसर। लो जी पहुंच गए काजा फाइनली, और यह है गेट टू काजा। वन टू थ्री फोर एंड वी आर इन काजा। ये सबसे बड़ा स्टेशन है पूरे स्पीति वैली का, काजा काजा वो सामने। वाओ और ये आ गया काजा टाउन, यहीं से आगे जो पेट्रोल पंप भी तो आएगा ना, पेट्रोल डीजल फिल करवा लेते हैं। और ये मेरे ख्याल में हाईएस्ट पेट्रोल पंप है इंडिया का। I love Spiti. ठीक है आते रहेंगे इसको, चले गए रास्ता।
आप डालते जाओ, जितना आएगा मैं कर दूंगा, बता दूंगा आपको। हाँ भी फुल पे रखो ना। अभी तो हुआ, हाँ चलो, ये बढ़ नहीं रहा, बढ़ गया। 1500 कर दो। ये देख भाई, ये देखना चाहता था ना मैं। सारा पानी जो है वो जम चुका है। This is Chichum Bridge, highest bridge.